आज आपके बनाने जा रहे हैं एग प्लांट रोटनी। आप चलते हैं, सामान हमने लिया है एग प्लांट जो हमारा ऑलरेडी रोस्ट करके रखा हुआ है। उसके लिए लिया है आप रिकॉटा चीज़, मशरूम, पार्मेसन चीज़ और स्पिनिच लिया है जो हमने ऑलरेडी पहले सोते करके रखा है। मशरूम भी सोते करके रखा है। मोजला चीज़ लिया है, आधा हम उसमें स्टफ में लेंगे, आधा हम बेकिंग में लेंगे। उसके लिए पार्सली लिया है सॉल्ट एंड पेपर, और गार्निशिंग में लिया है चुकंदर, जीरा, कैप्सिकम और चेरी लिया है, और बंच हमने पार्सली लिया है, और उसके लिए हमने ऑरेंज मेयोनीज लिया है। अब चलते हैं हम फोल्डिंग के मिक्सचर की ओर। ये डाला हमने रिकॉर्डर पीस, मशरूम डाल देंगे एक पीस सारा, पार्मेसन चीज़ भी और स्पिनिच भी। आधा इसमें मोजरा चीज़ यूज़ करेंगे ताकि ऊपर से टॉप पे भी हम बेक करेंगे। अभी पेपर एंड सॉल्ट एंड मिक्स करेंगे इसको। हमारा मिक्सर ऑलरेडी मिक्स हो चुके हैं। अब चलते हैं स्टफिंग की ओर। परफेक्ट ऑसम। हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं माइनारा सॉस की ओर। माइनारा सॉस के लिए हमने ऑयल, गार्लिक, सॉल्ट, पेपर, पार्मेसन चीज़, चिली फ्लेक्स, बेसिल एंड टमाटो सॉस। अब इसमें डालेंगे गार्लिक, डालना है गार्लिक टमाटो सॉस। अब सीजनिंग करेंगे, इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर एंड चिल्ली फ्लेक्स, सॉल्ट, पेस्ट एंड बेसिल।
अच्छे से लगाएंगे। अब लास्ट में हम डालेंगे इसमें ऑर्गेनिक चीज़। सॉस हमारी रेडी हो चुकी है। अब करते हैं थोड़ा इसके टॉप पे डालेंगे हम सॉस को, मायारा को। इस तरीके से अच्छे से थोड़ा सा बचा के रखेंगे और जब लास्ट प्लेटिंग में नीचे से डालेंगे। अभी हम टॉप पर डालेंगे मोज़रेला चीज़ जो इसको बेक करने के लिए रखा था। आप चलते हैं ओवन की ओर। ये टेम्परेचर हम 350 फिट करें 10 मिनट के लिए इसको हम देखें। चलो आप चलते हैं प्लेटिंग की ओर। हम एक एक कोने में लगाएंगे पार्सले बंच कुछ इस तरह से और चेरी टमाटर को वन को डोर करके कुछ इस तरीके से डाल देंगे। और ये हमने जिंजर कैप्सिकम काटे हुए थे कुछ इस तरीके से डालेंगे। ये हम जो बीटरूट के फ्लैक्स निकाल के रखे हुए हैं कुछ वो इस तरीके से रखेंगे। हमारा रेडी हो चुका है, अब इसको चलते हैं प्लेटिंग की ओर। जो सॉस बचा हुआ रखा था तो हम इसके नीचे से डालेंगे कुछ इस तरीके से। थोड़ा इसको डेंजर होगा, बहुत ज़्यादा गर्म होगा, थोड़ा इसको आराम से उठाएंगे।
रेडी हो चुका है और उसके ऊपर थोड़ा सा चॉप पासने और डाल देंगे और ये हमारा कंप्लीट है। हमारी डिश तैयार है, आई यू वॉचिंग, ये आपको बहुत अच्छा लगेगा, पसंद भी आएगा। हमारी रेडी है पपाया एक मिनट, आप लोग लाइक करें और सब्सक्राइब करें कपिल शेफ चैनल को। गुड लक, एंजॉय योर सेल्फ योर फूड।